मुसलमानों को आरक्षण के मामले पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान आने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ ही भाजपा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब एवं बहुजन विरोधी भी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में मात्र 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार में हमारे नेतृत्व में सरकार ने राजद के सामाजिक न्याय नीतियों और प्रतिबद्धता के चलते देश में पहली बार जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% करने का ऐतिहासिक कार्य किया। कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल की तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि अरे कब नहीं लालू जी पर बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज में जा कर के गाली दे रहे हैं, क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले ही बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हमारी पहल पर ही बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने संबंधी संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से बार बार अनुरोध किया, लेकिन आरक्षण विरोधी भाजपा सरकार ने गलत मंशा के चलते अभी तक इसे 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया। तो इस दौरान तेजस्वी ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि धर्म के साथ साथ कर्म की भी बात करें। तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वीं सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें OBC का, EBC का, SC का, ST का, सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया, तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे, सॉलिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे, एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों की करनी और कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें, तो थोड़ा कर्म की बातें, 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि आपने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में जाति आधारित गणना करने के हमारे प्रस्ताव को कभी भी स्वीकृति ही नहीं दी, बल्कि इसे रुकवाने के देश के सॉलिसिटर जनरल को भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। इन बातों से स्पष्ट होता है कि भाजपा, BJP और मोदी सरकार आरक्षण और वंचित वर्गों के उत्थान की घोर विरोधी है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।